नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के शुल्क में प्रधानमंत्री की रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली में अपना दल एससे अनुप्रिया पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि परिवार वाली पार्टी भारत की सेना का मजाक उड़ाते हैं और अपने देश में बने वैक्सीन का और मेक इन इंडिया का मखौल उड़ाते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार लोगों को सुरक्षित देश में लाया गया है और कार्य में गति देने के लिए चार मंत्रियों को भी भेजा गया है। साथ ही भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने के लिए वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मिर्जापुर में राजनाथ सिंह ने देवरी गांव में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा की चुनावी रैली को संबोधित किया और रत्नाकर मिश्रा को भारी मतों से विजय बनाने के लिए जनता से अपील की। मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी और मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच या गुरेज नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने हमसे भी अच्छा शासन करके प्रदेश का विकास किया है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में मतदान होगा। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है और कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि हम लोगों का परिचय पत्र देख करके और उनकी पहचान करके ही हम वोट डलवाएंगे और अपने जो मतदाता सूची मिली है उनसे मिलान करेंगे और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। बस सर, चुनाव को हमको सब कुशल सम्पन्न कराना, वहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बस यही है। जी नहीं सर, वोटर आईडी नहीं रहेगा तो हम आधार कार्ड से करवाएंगे और या तो फिर उनका बोलेंगे आप पासबुक अपना लेके आइए, कुछ तो कुछ उनके पास तो रहेगा ही सर, बिना उनके किसी भी पहचान के तो हम वोटर आईडी डलवाएंगे नहीं। चुनाव तो एक पीठासीन अधिकारी के रूप में जो हमारी ड्यूटी है उसको संपन्न करेंगे, चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराता है, हम तो एक टूल है खाली। बिल्कुल, हम तो वहाँ पर बूथ पे पूरा माहौल बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, किसी को वोट डालने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है, मतलब हमारे तरफ से कोई परेशानी ना हो। कुल 4126 पोलिंग पार्टियाँ हैं जो अभी यहाँ से रवाना होगी, उसके साथ पुलिस पर्सनल भी है और हमारी जो सारी विधानसभाओं में जो EVM है उसकी डिलीवरी कर दी गई है। अभी पोलिंग पार्टियों को पूर्ण करके अगले 1 घंटे में हम लोग सबकी रवानगी कर देंगे। सबके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, गाड़ियों में खाना भी रख दिया गया है, गाड़ियाँ हमारी जो सारी खड़ी है, इसको देखते हुए अब हम लोग जो है जल्दी इसको पूर्ण करा देंगे। 3 मार्च को कल छठवें चरण में गोरखपुर में चुनाव होना है और हम खड़े हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जहां से पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं कुल मिला के 4126 पोलिंग पार्टियां हैं जिनमें से 300 क्रिटिकल हैं। ऐसे में सारी पोलिंग पार्टी का पोलिंग पार्टी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रही है। आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे से ये मतदान होना है और आज शाम तक सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी।
मिर्जापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 की तरह 2022 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद मोदी और योगी जी के साथ है। कानून व्यवस्था वो गरीब कल्याण के नाम पर जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 10 मार्च को परिणाम आने के बाद अखिलेश मोबाइल बंद कर ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह के साथ भोजपुरी कलाकार और भाजपा नेता निरहुआ ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना लेकर जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, सभा रैलियों के माध्यम से जा रहे हैं, संपर्क घर घर संपर्क के माध्यम जा रहे हैं। जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद है मोदी योगी के प्रति जी, और पूरा राज्य खड़ा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो पांचवा चरण छठवा चरण इसमें पूर्ण बहुमत आ रही है सपा, आप तो देख ही रहे हैं। वो 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे। एक तरफ उत्साह है, लहर है जबरदस्त पूर्वांचल में हो तो, और जबरदस्त लहर। हाँ, क्योंकि कानून के नाम पर वोट दे रहे हैं, गरीब कल्याण के नाम पर मतदान है और गरीबों की खुशहाली के नाम पर बहुत खुशहाली है जनता का और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा कि राष्ट्रवाद छोड़ के ये बात हमारे अध्यक्ष जी ने हमको बताया, जो हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद छोड़कर जातिवाद पे उतर गए, राष्ट्रवाद छोड़ के जातिवाद पे उतर गए। भगत सिंह भी स्वस्थ होंगे कि हम किन मूर्खों के लिए मर गए। जौनपुर के मलहनी में आयोजित जनसभा में शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्हानी से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह पर भी तंज कसा और कहा कि बाहुबलियों और अराजक तत्वों से मल्हानी को आजाद कराना है। एक बार नहीं, कई बार सपा ने उन्हें हराया है। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि पश्चिम से हवा चली है और प्रचंड बहुमत से सपा की सरकार बनने जा रही है। मल्हानी में कहा कि फिर से जीत दर्ज करेंगे और जो अराजक तत्व सपा प्रत्याशियों के ऊपर हमला कर रहे हैं उन सब की जगह जेल में होगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ, पश्चिम मध्य पांचवें चरण तक प्रचंड बहुमत से ये गठबंधन जीत रहा है और अब कोई अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा की। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मझवा विधानसभा के आम घाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करने आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में दो तरह की शिक्षा है। सरकार बनने पर एक तरह की शिक्षा होगी, सरकार बनने पर 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, जो पद खाली है उनको भरेंगे। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। ग्यारह लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। IPCL में 22 लाख पद खाली बना करके भर्ती कराने का काम किया जाएगा साथी। और हमारे योगी बाबा जी ये कान खोल के सुन लो, तेरा पेपर लीक हुआ है, 16 पेपर लीक हुआ है, तेरा लीकेज बंद करूंगा और पूरी पुलिस से बने बने की भर्ती निकाल करके नौजवानों को रोजगार। जौनपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने शाजागंज विधानसभा क्षेत्र के पट्टी नरेंद्रपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए टोटी चोर बताया। वहीं सभा पर तंज कसते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वो लोग आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और बीजेपी आतंकवादियों को फोटो में टांगना चाहती है। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडों पर बुलडोजर इतना भारी है कि साइकिल का कोई अता पता नहीं है। ये भैया लोग, हम आपसे दोनों हाथ से जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं,
बीजेपी आतंकवादियों को फोटो में टांगना चाहती है, लेकिन ये मनोज भैया का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं तो मैं तो सपने में भी आशीर्वाद दूंगा। मेरा रमेश हमारी निषाद पार्टी का कैंडिडेट। सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को मतदान होना है। निष्पक्ष शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने के लिए आज जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए बीएसए ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले की 5 विधानसभाओं में 1615 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 2458 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इस चुनाव में लगभग 10,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिले में कुल 19,29,031 मतदाता है। वहीं चाक चौबंद मतदान की व्यवस्था को लेकर एएसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि सभी बूथों के पुलिस पार्टियों और पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। देखिए आज 2458 बूथों पर जो है पार्टियां रवाना हो रही हैं और 110% रिजर्व के साथ सभी पार्टियों को आज बुलाया गया। सबके लिए लगभग 500 बसेस की व्यवस्था, लगभग हमारा 200 कार्मिक लगे हैं जो इनकी अटेंडेंस ले रहे हैं और इनको रवाना करा रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी समय से रवाना हो जाएंगे और जो है चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होगा। जनपद के कुल 1616 मतदान केंद्र और 2458 पोलिंग बूथ जो हैं उन पर आज पुलिस बल और पोलिंग पार्टियां आज यहां से बीएसए ग्राउंड से रवाना हो चुकी हैं। अभी एक घंटे के अंदर सभी पहुंच जाएंगी। अर्धसैनिक बल सुबह से ही पहुँच चुका है, उसने पोजिशन ले लिया है सभी बूथों पर। उनको कहाँ खड़ा होना है उन लोगों ने उनको जानकारी है। हमारी सिविल पुलिस की पार्टी स्कॉर्ट करके ईवीएम को ले जा रही है पोलिंग सेंटर तक। मतदान के बाद वापसी में हमारे अर्धसैनिक बल के लोग उन ईवीएम को स्कॉर्ट करके रिसेप्शन काउंटर तक लाएंगे। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बिघा नगला में मकान के अंदर सो रहे परिजनों के ऊपर अचानक छत भरभरा के गिर गई, जिससे मलबे में दबकर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। हम तो जख्म नाम पर जैसे धमाको भाव तैसे निकल भीतर तैयार है। बच्ची में ढिंगा बात पड़ी थी तो ये मतलब देखो ये सामने सामने करा सोई में ये पछाड़ खा गई है। तब सब भी लोग बच के आए नहीं खा रो आ के। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल तीन लला के ज्यादा चोट बड़े वाले के। अब बहुओं को खबर संभल से है जहां अखिल भारतीय कल्याण संघ के अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और साथ ही यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने की बात कही और कहा समस्त भारतीय नागरिक छात्रों को सकुशल भारत लाया जाने का प्रबंध भारत सरकार द्वारा किया जाए। इस दौरान वैभव कुमार एडवोकेट, इमरान मसूदी एडवोकेट के साथ अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। ज्ञापन हमने यूक्रेन में जो हमारे यहाँ के भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे भारत की जो महिला छात्र लड़कियां हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उन्हें हम प्रधानमंत्री का ज्ञापन सौंपना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कारागार उपाय उठाएं और अच्छी जो है हमारे भारतीय छात्राओं को सुरक्षित हमारे देश में लेकर जाएं। देवरिया विधानसभा चुनाव के 6 चरण में सभी की निगाहें देवरिया पथरदेवा सीट पर टिकी हुई है, जहां मंत्री और 2 पूर्व मंत्री के बीच मुकाबला है। जहां पथरदेवा विधानसभा से पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली पुत्र परवेज आलम के प्रत्याशी हैं, वहीं 2 बार मंत्री रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सपा प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही वर्तमान में कृषि मंत्री भी अपनी प्रतिमा विधानसभा से टाल ठोक रहे हैं, तो वहीं पथरदेवा विधानसभा से महिला कांग्रेस प्रत्याशी अंबर जहां भी दावेदारी पेश कर रही हैं। पथरदेवा सीट के सियासी समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जहां 2 प्रत्याशी परवेज आलम कांग्रेस से और अंबर जहां चुनावी अखाड़े में नजर आ रही हैं। यूक्रेन जंग में अयोध्या के बीकापुर का एक छात्र भी फंस गया है। पिछले 24 घंटे से छात्र से परिजनों की बात ना हो पाने के कारण परिजन काफी परेशान हो गए हैं। हालांकि तहसील प्रशासन ने रहेट निवासी सनी लाल से सकुशल होने की सांत्वना देते हुए जल्द ही उसकी घर वापसी की उम्मीद भी जताई है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में
अयोध्या का भी छात्र फंसा हुआ है। आज मैं अयोध्या के छात्र के उस घर पे मौजूद हूँ, उस परिवार के साथ मौजूद हूँ जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, के परिजन जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारा लाल जो है वो घर कब आएगा। हम जानने की कोशिश करते हैं, छात्र के दादा हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि कितने साल हो गए उसको वहाँ रहते हुए। मेडिकल का छात्र था दादा जी, मेडिकल का छात्र है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है वहाँ रह करके, और कितने साल हो गए और कहाँ है वो? अब आपसे बातचीत होती रही उसकी, कब से नहीं हुई है? आज अब 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 बात हुई है, बात हुई है परसों, बात हुई है परसों हो पा रही। अच्छा, और उन्होंने ये बताया कि बस बुक करके वहाँ से कमरे से अब जो है बॉर्डर पर जाने वाले हैं, और बस अभी 1 घंटे में आ जाएगी। तो वहाँ के 3 बजे बस मिली, उस पर सभी छात्र बैठे, इतना तक बात मुझसे कितने बस पूरी बस में जितने, मतलब वो ये नहीं बताया गया कि कितने छात्र। अच्छा, पूरी बस भरी हुई थी? भरी हुई थी। अच्छा, झंडा उस पर लगा करके वहाँ से रोमानिया देश के जो है बॉर्डर पर जाने के लिए आए थे। अच्छा, कोई समस्या चीज़ें पैसों को लेकर? अभी नहीं, कि यह है 40-45 घंटे हो रहे हैं, और बताया कि खाने का खाना पैक कर लिए हैं, बैग में रख लिए हैं, अब कितना मतलब खाएंगे वो, कब से मतलब परसों की बात है और अभी तक वो खाना थोड़ी खाएंगे, पर वो लाइन लगाए हुए तो आज कोई बात आज कल से नहीं हो रहा। हाँ, आए वहाँ पर सरकार से, आप क्या अब क्या बताएं, मेरा लगा है और कुछ नहीं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अयोध्या का भी छात्र फंसा हुआ है। आज मैं अयोध्या के छात्र के उस घर पे। खबर फतेहपुर से है, जहां एक हेड कांस्टेबल बाथरूम में बेहोश मिला, जिसको लेकर जेल प्रशासन जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, मौत की खबर सुनते ही जेल कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। जेल कुछ कर्मचारी व्यक्ति को लाए थे, प्रकाश पांडे नाम है, किस स्थिति में लाए थे और क्या है? ब्रॉड डेड आए थे, जांच के बाद उनको मृत पाया गया था। क्या कारण क्या था मौत का, कुछ जानकारी? मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। कहाँ से आए थे वो? जेल से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित अभय खंड में बिल्डर के आवास पर सुबह से आयकर विभाग का छापा जारी है, जहां पिछले 3 घंटे से पत्रकारों की टीम आयकर विभाग के अधिकारियों से बात करने के लिए मौजूद है। कुछ देर पहले ही 2 पुलिस के सिपाही गेट पर बैठे थे, लेकिन मीडिया को देखते ही वो बंगले के अंदर चले गए। छापेमारी किस बात को लेकर हो रही है, अभी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। बता दें कि मामला लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट का है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।